राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना में से एक योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्रता की जांच के लिए अपने घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि कौन पात्र है इसके लिए, कौन नहीं है। तो इसके लिए अपने अगर घर पे कंप्यूटर है तो ठीक है, नहीं है तो अपने मोबाइल से भी इसकी पात्रता की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कंप्यूटर पे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर पे क्रोम में अपने खोलेंगे, साइट खोलेंगे, कोई भी सर्च इंजन आप खोल लीजिए, उसमें आप यहाँ सर्च में लगाएंगे, यहाँ पे राज एसएसपी, राज एसएसपी, देखो ये आ गया राज एसएसपी, अपने राज एसएसपी को यहाँ पे अपने क्लिक करेंगे, ये आया है विंडो के लिए, क्लिक किया, ये देखो ये विंडो खुल गई, ये महंगाई राहत कैंप का भी लोगो आ गया है, इसको अपने एक बार क्लोज कर देंगे। अब देखिए इन ऑप्शन में से ये विंडो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, तो इन सभी ऑप्शन में से अपने यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पे जाएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खोला, तो देखिए इसमें सबसे पहले है राज्य पेंशन योजना, उसके बाद है राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो सबसे पहले अपने राज्य पेंशन योजना में कौन कौन व्यक्ति पात्र हो सकते हैं इसके लिए अपने पता लगाएं। क्रम संख्या एक पर ये विवरण है, क्रम संख्या एक है देखिए पात्रता, पात्रता। तो ये है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, तो जिसको अपने बुढ़ापा पेंशन भी कह देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन भी कह देते हैं, तो उसके लिए देखिए 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला इसके लिए पात्र है उम्र में तो, और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष आयु के अनुसार पात्र है। अब इसके लिए उनकी जो वार्षिक आय है वो 48,000 या इससे कम होनी चाहिए, इससे अधिक वाला इसमें पात्र नहीं है। अब देखिए ये है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, इसमें 18 वर्ष की महिला या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यागता महिला हो, इसमें कोई भी हो, विधवा हो चाहे तलाकशुदा चाहे परित्यागता महिला, सभी पात्र हैं, परंतु उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके लिए भी जो वार्षिक आय है वो 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन सम्मान पेंशन योजना, अर्थात जो अपने कह देते हैं विकलांग पेंशन के लिए पात्र कौन कौन है, किसी भी आयु का विशेष योग्यजन यानी कि विकलांग व्यक्ति जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक प्राकृतिक, यानी कि 40% या उससे अधिक क्या है वो विकलांग हो, दूसरे नंबर पे प्राकृतिक रूप से बौने 3 फीट और 6 इंच से कम हो वो भी इसके लिए पात्र हैं, और या फिर हिजड़ापन से ग्रसित व्यक्ति भी इसमें पात्र हैं। इसकी जो वार्षिक आय है वो 60,000 तक है, अगर 60,000 या इससे कम है तो वो पात्र है, अगर 60,000 से ज़्यादा है तो वो अपात्र है इसके लिए। अब आ जाइए लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें 55 वर्ष व अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं, 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष भी पात्र है, लेकिन इसमें लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/13 के अनुरूप होनी चाहिए। वो ही व्यक्ति ये पात्र हैं लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। अब अपने बात करते हैं, अभी अपने बात करते हैं इनको कितनी कितनी पेंशन मिलेगी प्रति माह दे वित्तीय लाभ। देखिए जो वृद्धजन पेंशन है उसको 75 वर्ष से कम को तो मिलेगी 7,500। आजकल तो 75 वर्ष तक कर दी 1,000, सरकार ने बढ़ा दी है पेंशन, मिनिमम 1,000 कर दी है। अब 75 वर्ष वे उससे अधिक को मिलेगी 1,000। अब जो इसमें आप देखिए ये है आपको एकल नारी यानी कि विधवा है या एकल नारी है तो इसको 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को मिलेगी 500। लेकिन आज अब क्या है सरकार ने उनकी 1,000 सभी की 1,000 मिनिमम 1,000 कर दी है। अभी 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को 750। तो ये थोड़ा पुराना है, अभी अपडेट हुआ नहीं, अभी 1,000 कर दी है मिनिमम। 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को 1,000। अब 75 वर्ष से या उससे अधिक को 1,500 रुपये मिलेगी विधवा को, एकल नारी को 1,500 रुपये 75 वर्ष से अधिक। अब ये हैं विकलांग, विकलांग निशक्तजन 55 वर्ष से कम की आयु महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु पुरुष को 750, ये भी 1,000 कर दिया है सरकार ने। अभी 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष या 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1,000। जिसकी 1,000 है वो तो 1,000 रहेगी, जिसकी 1,000 से कम है सरकार ने अभी अभी उनकी बढ़ा दी है पेंशन, मिनिमम 1,000 कर दी। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1,250 रुपये मिलेंगे, कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1,500 रुपये मिलेंगे। इसमें आ जाइए, ये है लघु सीमांत वृद्धजन पेंशन योजना। तो लघु कृषक के लिए है 75 वर्ष से कम को 750 और 75 वर्ष से अधिक को 1,000। ये जो 750 है ये भी अभी 1,000 कर दी है सरकार ने, यानी कि मिनिमम सभी की 1,000 रुपया कर दी गई है। अब है ये राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात केंद्र सरकार से योजना, राशि आ रही है इसमें। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसमें के पात्रता रखने वाला बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला अथवा पुरुष दोनों पात्र हैं। केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए और 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु को 750 यानी कि 750 रुपये, अब ये भी 1,000 कर दी है, और 75 वर्ष से अधिक को 1,000, तो ये पहले से ही 1,000 है, ठीक है, ये प्रतिमा इनको दे हो। अब आ जाइए एकल नारी पे या विधवा पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला इसमें पात्र हैं। केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होना चाहिए। अब 40 वर्ष या अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को 500 रुपये, ये केंद्र से तो 500 ही आएंगे लेकिन राजस्थान सरकार ने बढ़ा के इनको 1,000 कर दिया। 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को 750, ये भी 1,000 कर दिया गया है, और 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को 1,000 रुपये, 75 वर्ष से कम को 1,000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक को 1,500 रुपये कर दिया गया। अब देखिए 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को 750 रुपये, ये भी 1,000 कर दिए गए। ये लघु सीमांत कृषक
योजना में है। 55 वर्ष व उससे अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष को 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1,000 रुपये और 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1,250 रुपये और कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1,500 रुपये। तो ये विकलांग पेंशन में है। ये सभी केंद्र की योजना है, विकलांग पेंशन, निशक्तजन में है। तो ये है, क्योंकि ये कृषक योजना केंद्र सरकार में नहीं है, ये सिर्फ अपने राज्य सरकार की ही योजना है कृषक वाली। तो ये है जो है, ये विकलांग के लिए है, निशक्तजन के लिए है ये सारी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। धन्यवाद।